हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज गंधर्वा वेलनेस स्टूडियो जो कि प्रीत विहार में है। और ममता जी भी मेरे साथ में है जो कि गंधर्वा से हैं। गंधर्वा से हूँ यहाँ मेरे साथ। बिल्कुल मैम, अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। सो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एकेडमिक से और वेलनेस कोच हूँ करीबन 2.5 डिकेड से। और मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर एक बहुत हेल्दी कुकिंग कॉन्टेस्ट किया, हमने बहुत अच्छी रेसिपी सीखी। सो इट्स माई प्लेजर टू होस्ट सच काइंड ऑफ अ इवेंट हियर, एंड एल जी इज सच अ नाइस होस्ट एंड दे हैव कोऑर्डिनेटेड द इवेंट टू वेरी ब्यूटिफुल इन ब्यूटिफुल वे। सो अब हम प्रेजेंटेशन हमारी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ ममता जी, इला जी और मैं एलजी से, जैसे कि आप सभी को पता है, तो यहाँ हम तीनों लोग रेसिपीज जज करने वाले और बताने वाले हैं कि आज की मलिका ए किचन कौन है यहाँ पर। Everyone is moving toward millets and we always look forward for our breakfast recipe, easy recipe and healthy too. So I have made bajra idli with stir fried vegetables. Sounds Hope great. You like it. Can I yeah, open it? Yes, yes. Wow. Nice. Very nice. I've used baby corn, broccoli, carrots, and dash of onions. And I have just cut the idlis. और उनको मैंने sauté किया है just in black pepper and rock salt and little bit of oil, okay. mustard oil. And इसको कितनी देर cook किया आपने idlis को? इनको मैंने 10 minutes. Okay. I cooked in a microwave. Perfectly cooked and very soft. Thank you. क्या बनाया है ये? ये मैंने हनी आलमंड केक बनाया है। हाँ जी, ये एक्चुअली मेरे खुद का जो बेटा है वो नॉर्मली ऐसे बादाम खाली भिगो के दो या ऐसे दो ना, वो नहीं खाता है, वो रोस्टेड ही खाना पसंद करता है। तो ऐसी चीजें बच्चे आजकल देखो बाहर जो चीजें हैं ऐसी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये जो मैंने है इसमें 1/3 जो है वो आलमंड फ्लावर से ही बनाया है इसको। हाँ, और हाँ जी, ये माइक्रोवेव में बेक किया है मैंने, और साथ में इसमें हनी के साथ है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें हनी का फ्लेवर है पूरा। हाँ जी, तो ये रेसिपी मैम आपने कैसे बनाई है आज आपको बताइए। हाँ जी, इसमें ये मैंने हनी आलमंड केक बनाया है, इसमें मैंने 1/3 आलमंड फ्लावर लिया था और बाकी ऑल पर्पज फ्लावर लिया था और बटर, और साथ में मिल्क से मैंने इसको बनाया है। उसके बाद इसको मैंने बेक कर दिया, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद इसको मैंने माइक्रोवेव में बेक किया है फॉर 35 मिनट्स। उसके बाद जब ये बेक होके तैयार हो जाता है उसके बाद इसको ठंडा करना है हमने, और उसके बाद हमने गार्निशिंग बनाई है इसकी, बटर विद कट चॉप्ड आलमंड्स, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर और देन उसमें मैंने हनी को डाला, ठंडा किया और उसके बाद उस पर गार्निशिंग की। जसविंदर कौर जी है और मैम ने बनाए हैं मालपुए। मालपुए आपने ये गैस पर बनाया है? हाँ, ये मैंने गैस पे बनाया है। टाइम में तैयार हो गई? बहुत कम टाइम लगा इसको बनाने में। यस, पर हम लोग मालपुए क्योंकि हमारे यहाँ कल गुरुपुरब था हमारे बंगला साहब वाले बाबा जी, तो उनका स्पेशल ये होता है मालपुआ और खीर। हाँ, तो हम लोगों ने स्पेशल, मुझे लगा कि आज प्रसाद बनना चाहिए तो मैंने वो बनाए। खाइए प्लीज। एक बार मैम, एक बार इसकी रेसिपी आप बताइएगा। मैंने आटे से बनाया है, आटा है और सूजी है, रवा और प्लस मलाई और छोटी इलायची और थोड़ा सा सौंफ, उसी से बनाया। ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने इनको बनाया कि बच्चों को हेल्दी दे सके हम लोग, उसके लिए मैंने। वैसे तो इसको देसी घी में बनाया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है देसी घी, तो इसके लिए मैंने इसको ऑलिव ऑयल में बनाया। मायसेल्फ सुषमा, ये एपेटाइजर की तरह यूज करते थे हमारी दादी नानी। तो ये मैम आपने कैसे बनाया? ये करौंदे को अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ के और थोड़े से जो बड़े बड़े बीज थे वो निकाल ली और हरी मिर्च काट ली उसी के प्रोपोर्शन में, थोड़ी कम या ज्यादा जैसा भी टेस्ट हो, और थोड़ा सा मैंने तो सरसों का तेल पका के उसका वो निकल गया उसमें, तो उसमें डाल के इसको पकाया है नमक और हल्दी के साथ। अच्छा, तो हम कितने टाइम में बनके रेडी हो गए? 7 मिनट मुश्किल से। तो बेस्ट। तो ये रेसिपी का नाम क्या दिया आपने? मिर्च करौंदा एपेटाइजर। तो यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए और साथ में कंसोलेशन प्राइजेस भी बांटे गए।